तजर्बाकारों ने मुल्क अंधेरे में डबो दिया। 18 घंटों से ब्रेकडाउन, फॉल्ट का पता ही ना चल सका। हुकूमती नुमाइंदगान के उल्टे सीधे बयानात, वजीर तवानाई का चंद घंटे में बिजली बहाली का दावा गलत साबित। खुर्रम दस्तगीर 10 घंटे बाद मंजरे आम पर आए और कहा रात 10 बजे तक बिजली बहाल होगी, ये भी दावा किया कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। वजीर आजम ने रिवायती कदम उठाते हुए कमेटी बना दी। ब्रेकडाउन के बायस मुल्क भर में निजाम जिंदगी मफलूज, अस्पतालों में ऑपरेशन रुक गए, मवासलाती निजाम में खलल, प्यारों से राबते कट गए, नादरा का सिस्टम भी बैठ गया, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लाइन मुअत्तल, कई शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद, ईंधन की फराहमी मुअत्तल, लंबी कतारें लग गई, लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद, पानी की शदीद किल्लत, कराची को पानी सप्लाई करने वाली 72 इंच कुतर पाइपलाइन फट गई। हाथ उठा दिए, कंधे उचका दिए, पेशगी इंतजाम ना किए। ख्वाजा आसिफ ने सब कुछ जानते हुए भी पावर फेलियर से मुतालिक कोई इंतजाम ना किया। टीवी प्रोग्राम में पहले ही कह दिया था कि किसी भी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन होगा, बहाली के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, कारोबार रुक जाएगा। याद माजी अजाब है यारब, एहसन इकबाल का माजी में दिया गया बयान गले पड़ गया। पीटीआई दौर में ब्रेकडाउन हुआ तो एहसन इकबाल ने हुकूमत को नाअहल करार दिया और मुस्ताफी होने का मशवरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हुकूमत को अब तक खराबी का पता ना चल सका। खुर्रम दस्तगीर को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। हमाद अजहर की बोलियों से गुफ्तगू, कहा मुकम्मल बिजली कल तक बहाल होगी। डॉलर की कमी की वजह से पेट्रोल की सप्लाई लाइन मुतासर हो चुकी है। बिजली का ब्रेकडाउन तो ट्रेलर है, अभी बहुत से बहरान आएंगे। मौसे नकवी की तकर्री, इमरान खान की तकर्री पर आज मुल्क भर में एहतजाज होगा। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए पटिशन तैयार कर ली। इमरान खान कहते हैं मोहसिन नकवी के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर काटा डाला है, ये मेरी हुकूमत गिराने के लिए भागा फिरता था, जरदारी के पैगाम लंदन लेकर जाया करता था, रेजिम चेंज में भरपूर किरदार अदा किया, इसके बाजवा से भी रबते थे, हमारे पास इदारों की रिपोर्ट हैं। इस्तीफों पर पीटीआई ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। ऑपोजिशन का दर्जा लेने के लिए इस्तीफे वापस लेने का ऐलान, हुकूमत की नींदें हराम, पार्लियामेंट हाउस और मिनिस्टर कॉलोनी के रास्ते और दरवाजे बंद कर लिए। पीटीआई रहनुमा ने गेट पर धरना दे दिया, इलेक्शन कमीशन के सामने भी एहतजाज। राव अनवार को इंसाफ मिल गया, नकीब के अहले खाना इंसाफ के मुंतजर, नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार समेत तमाम मुलजिम बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दे दिया। मुकदमे में 51 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस के दिए गए बयान से मुनहरिफ हो गए थे। एफआईए के बाद नैब ने भी वजीर आजम के बेटे को क्लीन चिट दे दी। सलमान शहबाज ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। एहतसाब अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने पर निपटा दी। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ की 7 फरवरी तक जमानत में तौसी। और हुकूमत जाते ही जेआईटी तब्दील, विफाकी हुकूमत का इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली जेआईटी पर अदम एतमाद, नई तहकीकाती टीम बना दी, सरबरा राव सरदार अली खान होंगे, आईएसआई आईबी और एमआई के नुमाइंदे शामिल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़, मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।